आपकी मेजबान लारिफ खान। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। कांगो में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान कैनेडियन फौजी महफूज रहे हैं। कांगो में कैनेडा के 6 मुसल्ला अफवाज के अरकान मौजूद हैं। मुजाहिरों में अक़वामे मुत्तहिदा की अमन फौज की फायरिंग से 5 अफराद हलाक हुए थे। कैनेडा में सूबों को अफरादी कुव्वत की कमी का सामना। मुख्तलिफ सूबों को इमिग्रेशन इख्तियारात में इजाफे के लिए वफाक को खत। सूबाई वज़रा का कहना है कि वो तारिकीन वतन का इंतखाब कर सकते हैं। रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा को 97 ऑफशोर अकाउंट्स इंकशाफ करने का हुक्म। अकाउंट्स की तफसीलात बहामास लीक्स में सामने आई थी। CRA की जानिब से कहा गया है कि इन अकाउंट्स की शनाख्त को मुबहम करने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए। इस्तांबुल में यूक्रेन से अनाज की बरामदगी का मुश्तरका राबता मरकज कायम। यूक्रेन और रूस के दरमियान अनाज बरामदगी का मुआहदा अक़वामे मुत्तहिदा और तुर्किया की सालिसी में हुआ था। फरकीन मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए अपने नुमाइंदे मुकर्रर करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा की वफाकी हुकूमत का कहना है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में अक़वामे मुत्तहिदा के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद कनाडा के अमन दस्ते महफूज हैं। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन अमन दस्ते कांगो में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान महफूज रहे हैं। कनाडा की वफाकी हुकूमत का कहना है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में अक़वामे मुत्तहिदा के खिलाफ दूसरे दिन के मोहलिक मुजाहिरों के बाद तमाम कनाडा के अमन दस्ते महफूज हैं और उनका डेटा मौजूद है। डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस और RCMP DCR में तमाम कैनेडियन एहलकारों की हिफाजत की तस्दीक की, क्योंकि अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 3 अमन फौजी तशद्दुद में मारे गए थे। अक़वामे मुत्तहिदा के हुक्काम ने मुल्क में अमन फौज के अड्डों और तंसीबात पर होने वाले मुतअद्दिद हमलों के दौरान दर्जनों दीगर अफराद को भी हलाक या जख्मी किया है। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि अमन मिशन कांगो के मशरकी इलाके में बढ़ते हुए तशद्दुद के दौरान शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करने में नाकाम रहा है, जबकि अक़वामे मुत्तहिदा की अफवाज को वहां से जाने का मुतालबा भी किया गया है। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाए कि अमन दस्तों ने शहरियों पर गोलियां चलाई, जिससे अक़वामे मुत्तहिदा के एहलकारों को तहकीकात का वादे करने पर मजबूर किया गया, यहाँ तक कि वो अपनी सहूलियात और लोगों की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। जबकि अक़वामे मुत्तहिदा का कहना है कि मार्च के आखिर में कांगो में कनाडा के 9 पुलिस अफसरान और 8 फौजी एहलकार थे। महकमा दिफा का कहना है कि इस वक्त वहाँ सिर्फ 6 मुसल्ला अफवाज के अरकान मौजूद हैं। कनाडा के सूबे मजदूरों की कमी से निमटने के लिए इमिग्रेशन पर मजीद कंट्रोल का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे मजदूरों की कमी से निमटने के लिए इमिग्रेशन पर मजीद कंट्रोल का मुतालबा कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत को लिखे गए खत में 4 सूबों का कहना है कि वो कामयाबी के सबसे ज्यादा इम्कानात के साथ नए आने वालों का इंतखाब कर सकते हैं। मुल्क भर में मजदूरों की कमी का हवाला देते हुए मुतअद्दिद सूबाई इमिग्रेशन वज़रा का कहना है कि वो इमिग्रेशन के अमल पर मजीद कंट्रोल चाहते हैं और उन्होंने अपने विफाकी हममनसब को एक खत भेजा है जिसमें तब्दीली का मुतालबा किया है। ऑन्टेरियो, अल्बर्टा, सस्केचवान और मैनिटोबा के वज़रा कनाडा के इमिग्रेशन, महाजरीन और शहरियत के वजीर शॉन फ्रेजर से मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपने सूबों को तारकीन वतन को उनकी महारतों के साथ मुंतखब करने की इजाज़त दें। खत में कहा गया है कि हमें मखसूस इलाकों और कम्युनिटीज़ की तेज़ी से तरक्की पजीर ज़रूरियात का जवाब देने की सलाहियत की ज़रूरत है, एक लचकदार निज़ाम के साथ जिसे हम बदलती हुई मुआशी और इंसानी ज़रूरियात के मुताबिक ढाल सकें। खत में कहा गया है कि सूबे अपने मकामी मईशतों को अच्छी तरह जानते हैं और वो कनाडा में नए आने वालों का इंतखाब कर सकते हैं जिनके पास कामयाबी का सबसे बड़ा मौका है। हमें हुनर की आलमी दौड़ का सामना है क्योंकि पूरी दुनिया में लोग अपने और अपने खानदान के लिए जिंदगी बसर करने के लिए एक बेहतर जगह तलाश कर रहे हैं। रॉयल बैंक ऑफ कनाडा को 97 ऑफशोर अकाउंट्स इंकशाफ करने का हुक्म दिया गया है। ये अकाउंट्स बहामास लीक्स में सामने आए थे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
रॉयल बैंक ऑफ कनाडा को 97 ऑफशोर अकाउंट्स का इंकशाफ करने का हुक्म दिया गया है। सीआरए ये नहीं बताएगा कि 2016 में लीक होने वाली कंपनियों का पीछा करने में 6 साल क्यों लगे। इसमें शामिल कंपनियां सभी टैक्स की पनाहगाह बहामास में रजिस्टर्ड हैं और असल में बहामास लीक्स नामी मालियाती रिकॉर्ड के लीक के एक हिस्से के तौर पर सामने आई थी। कनाडा के फेडरल कोर्ट में जमा कराई गई गुजारिशात में सीआरए की जानिब से कहा गया है कि ज्यादातर कंपनियों ने इन अफराद की शनाख्त को मुहिम करने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जो इन इदारों को हकीकी तौर पर कंट्रोल करते हैं और फायदा मंद तरीके से इनके मालिक हैं और वो ये जांचना चाहते हैं कि आया असल मालकान कनाडा के बाशिंदे हैं या नहीं। कनाडा के अफराद और कॉरपोरेशंस के पास $23 बिलियन के ऐलान करदा फंड हैं जो बहामास में रखे गए या इसके जरिए सरमायाकारी किए गए जो फ्रांस स्पेन और पुर्तगाल की मुश्तरक रकम से ज्यादा है। 2018 के सीआरए के एक मुताले ने तजवीज़ किया कि कैनेडियन शहरियों के पास मजीद 76 बिलियन से 241 बिलियन गैर ऐलानिया छुपी हुई दौलत तमाम ऑफशोर दायरे अख्तियार में जमा है। रूस और यूक्रेन के दरमियान अनाज बरामदगी मुआहदे का मुश्तरक राबता मरकज इस्तांबुल में कायम कर दिया गया, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के दरमियान अनाज बरामदगी मुआहदे का मुश्तरक राबता मरकज इस्तांबुल में कायम कर दिया गया। तुर्क हुकाम के मुताबिक फरीकैन मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए मुश्तरक राबता मरकज में अपने नुमाइंदे मुकर्रर करेंगे। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि रूसी वफद जल्द तुर्किया पहुंचकर तुर्किया यूक्रेन और अक्वामे मुत्तहदा के साथ 4 तरफा तरीकेकार के तहत मुश्तरक राबता मरकज में काम करना शुरू कर देगा। यूक्रेन और रूस के दरमियान अनाज बरामदगी का मुआहदा पिछले हफ्ते अक्वामे मुत्तहदा और तुर्किया की सालिसी में हुआ था। तहम रूसी अफवाज की जानिब से यूक्रेन की सबसे बड़ी बंदरगाह ओडिशा पर मिसाइल हमलों के बाद मुआहदा खतरे में पड़ गया था। तहम अब मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इस्तांबुल में तुर्किया, अक्वामे मुत्तहदा, रूस और यूक्रेन के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल एक मुश्तरक राबता मरकज कायम कर दिया गया है। News are precise and effective.